लेकिन मेरा फेल होना मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं फेल नहीं हुआ होता तो शायद मैं एक्टर नहीं बनता। फिर मैंने भाभी जी घर पे हैं और भाई क्या चल रहा है, दिल्ली सोप में सीआईडी, सावधान इंडिया, एक 2224 साल का लड़का डायरेक्टर है और मैं जाऊँ रेड करने में, कौन है बेटा तुमने भी दुनिया नहीं देखी हो तो मैंने बताओ, मैं तो बताता हूँ, ये तू कहेगा यार मैंने किसको ले। उसके बाद जब उन्होंने एक्शन बोला, अब मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। कट 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 कट, क्या कर रहे हो? नेकर का भरोसा चोला माटी के हैरान। नमस्कार, द पेंडाउन में आपका स्वागत है और आज एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और जो मेहमान हैं वो हरफन वाला न केवल वो एक अभिनेता हैं बल्कि रंगमंच के भी मजे हुए कलाकार हैं और साथ में रंगमंच के भी विभिन्न विविधाओं और विभिन्न तरह के ऐसे एक्सपर्ट्स जिनके नाम को जानकर हम उनके शोज देखने जाते हैं, थिएटर में नाटकों को देखने जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपने काम किया है और फिल्मों में तो इन्होंने शोहरत बनाई ही है, वेब सीरीज भी इनसे अछूती नहीं है और टीवी सीरियल्स तो इनके लिए अब एक सिलसिले की शुरुआत ही नहीं बल्कि एक एक आधार बन गया है। और बहुत हरफन वाला ऐसे कलाकार संदीप यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम खास बात इसलिए भी आज कर रहे हैं क्योंकि ये लखनऊ से वाबस्ता हैं और लखनऊ से सिलसिले की शुरुआत हुई लेकिन अब मुंबई और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सीरियल्स के और फिल्मों के प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं और अपने मुकाम बना लिया है। तो बहुत बहुत स्वागत संदीप भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम जरूर जानना चाहेंगे कि बहुत से लोगों के सपने होते हैं कि वो फिल्म दुनिया में इस मायावी नगरी में प्रवेश करें और अपनी जगह बनाएं। बहुत स्ट्रगल होता है बल्कि स्ट्रगल एक टाइटल बन गया है कि एक लंबा वक्फा होता है जिसमें लोग ये करें। आपके अपने अनुभव क्या हैं और आपने कैसे ये मुकाम हासिल कर लिया इतना कुछ? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरा कोई भी इरादा नहीं था एक्टर बनने का, एक्टिंग में आने का। कह सकते हैं कि गलती से मैं एक्टर बन गया। गलती से? कई बार जीवन में कहा जाता है कि आपको फेल नहीं होना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हारने के बाद तमाम चीजें बदलती हैं और आपको बहुत अलग तरह से लिया जाता है। लेकिन मेरा फेल होना मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं फेल नहीं हुआ होता तो शायद मैं एक्टर नहीं बनता। और इस फेल्योर का नतीजा ये है कि ये साहब इतनी फिल्में कर चुके हैं जिनमें जो फेरिस्त थे, पिपली लाई, बाटला हाउस, थप्पड़, गुलाबों सितारों, अमिताभ बच्चन साहब के साथ, सत्यमेव जयते 2, ये भी आमिर खान के साथ था, ये जॉन अब्राहम के साथ। अच्छा, जॉन अब्राहम के साथ। और उसके साथ जो वेब सीरीज हैं उसमें हसमुख, बौकाल, आश्रम और बहुत सारी जो और प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं आपको देखने को मिलेंगे, लाल बत्ती, भागवत, भूचाल और ये भैया जी, तो ये किरदार इसमें बहुत सारे जो कॉमिक जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आपने किए हैं। सीरियल्स कौन कौन से किए हैं आपने? सीरियल मैंने भाभी जी घर पे हैं और भाई क्या चल रहा है, अभी रिसेंटली मेरा एक सीरियल वाइटअप हुआ है, दूसरी माँ उसका नाम। इसके अलावा मैंने बहुत सारे सीरियल डेली सोप में, सीआईडी, सावधान इंडिया, सारे बहुत सारे, और ये सब हासिल कर लिया एक असफलता के कारण कि वो सफल नहीं हुए। अगर सफल हो जाते तो क्या बनते? मुझे लगता है सफल हो जाता तो मैं शायद कहीं किसी सरकारी नौकरी में होता। अच्छा, उसकी तैयारी चल रही थी? उसकी तैयारी क्या, पिताजी उसी पैटर्न के, पिताजी सरकारी नौकरी में रहे हैं तो उनकी बड़ी ख्वाहिश यही थी कि भाई सारे लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ लिख के सरकारी नौकरी में आ जाए क्योंकि वो नौकरी सबसे सिक्योर सेफ होती है, उसमें कोई रिस्क नहीं। और ये जो काम कर रहे हैं इसमें? इसमें तो बड़े दिनों तक मेरे पिताजी बड़े इनसिक्योर रहे, क्या करेगा, क्या हो पाएगा, क्या होगा, फंस गए और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ उनके बच्चों में, उनको ये था कि यार गया काम, चीजें खराब हो चुके हैं, अब जो उनके पीछे के लोग हैं वो क्या करेंगे कैसे। तो अब आप क्या महसूस करते हैं कि अब आप फंसे हुए हैं या निकल गए? नहीं, मैं तो नहीं फंसा हूँ, मैं तो निकल गए, मैं फेल हुआ उसके बाद ही मुझे धारा मिल गई थी। और घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं 12th में फेल हुआ और फेल होने की भी बड़ी कहानी है। मुझे लगता है कि एक्टिंग की मेरी ट्रेनिंग उस फेल होने से कुछ महीने पहले शुरू हुई। अच्छा, भगवान ने शुरू करा। तो वो ये था कि मैं पढ़ाई में मन बिल्कुल लगता नहीं था, किसी तरह से मैंने 10th तो कर लिया था साइंस में, उसके बाद 11th तो हो ही जाता है स्कूल में रहते रहते। अब जब 12th आया तो मेरी समझ में नहीं आया कैसे होगा, और मैंने ले लिया था मैथ्स, तो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश तो ठीक है, लैंग्वेज थी पढ़ पढ़ा के चल जाती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिल्कुल समझ में ना आया। तो मैंने आदत बनाई थी कि जैसे जैसे मेरे टीचर ने मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर बताया है
तो मैं बिल्कुल उसको ना अपनी आंखों से स्कैन कर लेता था, ऑब्जर्वेशन चल रही थी, पेंटिंग की तरह कि अच्छा यहां पे ये था, यहां ये था और इधर ये लगा था, ये लगा था, ये रिजल्ट था, बात खत्म। आंखें बंद करके भी कोई मुझसे कहे कि ये ड्रॉ कर दो तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, मुझे पता कुछ नहीं है। तो वो इस तरह के पैटर्न पे मैं चला गया और 12th में लगा कि भाई कुछ लिमिटेड क्वेश्चन टीचर्स ने बताया है, कुछ बाकी साथियों ने बताया कि आए हैं वो फंसे नहीं, जो जिनके पिक्चर्स मैंने कैप्चर कर रखे। तो मैं बुरी तरह से फेल हुआ, मैथ्स में मुझे एक नंबर मिला, फिजिक्स में 12 और केमिस्ट्री में 13। और जब रिजल्ट आया तो पापा ने कहा कि यार ये कैसे हो गया, और तो इतने बुरे नंबर, तो मैंने कहा हाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, आपने बहुत दबाव डाला और ऐसा वैसे करते हुए फेल होने के बाद चैलेंज ये था कि अब क्या करोगे। तो मुझे याद आया कि मैं क्लास 7th में था, उस समय हम लोग नैनीताल में रहते थे, मैंने रामलीला की थी, रामलीला में लक्ष्मण बना था। मैंने ये देखा था कि इस वाले काम में पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं करता था। और जब मैं पढ़ाई 7th में था तो उसके बाद मैंने रामलीला की, तो मैंने देखा मेरे स्कूल के लोग बस में, जिस स्कूल बस में हम जाते थे, वहाँ के बच्चे सब कह रहे वही है, वही है जो लक्ष्मण बनाता है, रैपर बन जाता है, ये तो बड़ा कमाल सा काम है। तो फिर मुझे लगा एक्टिंग में आना चाहिए। तो 12th के बाद फिर मैंने DNA में वर्कशॉप हो रही थी, जो मुझे मालूम चला मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से एक्टिंग की शुरुआत हो। तो मुझे लगा यही प्रोफेशन, इसी को करना है, देखते हैं इसमें क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मुझे आती नहीं है, मैं करूँगा नहीं, नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो इस तरह से एक्टिंग की शुरुआत हो। संदीप भाई, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी तादाद बहुत है, और वो सब इस तरह के काम को बहुत ग्लैमरस देखते हैं और उनका सपना होता है, और ऐसे लोग मुंबई बहुत जल्दी ट्रेन पकड़ते हैं या घर छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आपके जीवन का ये सबक क्या होगा, या आपका जो अनुभव है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि एक्टिंग करना आसान चीज नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बिना पढ़े भी होगा, बिना पढ़े यहाँ पढ़ना और करना दोनों है। मतलब रचनात्मक चीजों में भी, किसी भी क्रिएटिव काम में भी, आपको पढ़ना जानना और उस कला को मांझने का जो पैटर्न है, जो तरीका, वो तो जानना ही पड़ेगा। ऐसे अगर आप एक रात में सोचेंगे कि नहीं मैं चलो आज बॉम्बे चला जाता हूँ, सुबह एक्टिंग करनी हो, तो करोगे क्या? क्या दिखाओगे आप? आप स्किल आपके अंदर है, लेकिन उसको आपको मांझना पड़ेगा, उसको पॉलिश करना पड़ेगा। आपने अपने आप को कैसे पॉलिश किया और कैसे मांझा, कहाँ कहाँ पढ़ा, जो आप पढ़ाई छोड़ कर निकले थे, फिर क्या क्या पढ़ना पड़ा और किन किन लोगों के साथ गढ़ना का मौका मिला आपको? मैंने जब DNA से वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप के दौरान हमारी टीचर जो थी रमा मैम, रमा रुद्रदेवी, उन्होंने हम लोगों को थिएटर की सारी चीजें पढ़ाई, और एक्टिंग करना अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में वहां जाके समझ में आया कि भाई पढ़ना तो यहाँ भी पड़ेगा। यहाँ मैं बता दूं, ये जो रमा जी की बात कर रहे हैं, रमा अरुण त्रिवेदी जी, जब FM रेनबो की शुरुआत हुई तो उनकी शुरुआती जो प्रमुख स्तंभ थे उनमें से वो रही, और उन्होंने उसकी शुरुआत की, और डिप्टी डायरेक्टर के पद से दूरदर्शन से वो सेवानिवृत्त हैं, और वो संगीत में, रंगमंच में, और उसके अलावा जो मीडिया के डिफरेंट मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म में उनका दखल रहा है, उनसे आपने प्रशिक्षण शुरुआती तौर पर उनसे प्रशिक्षण लिया, और मुझे समझ में आ गया था कि एक्टिंग करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए प्रतिभा तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक रियाज करना पड़ेगा। तो वो BNS से शुरुआत हुई, उसके बाद फिर सुलमान जी के साथ हमने सीखने का प्रोसेस चलता रहा, कई सारे लोगों के साथ समझ में। हबीब तनवीर साहब के साथ में आपने काम किया? जी। तो क्या फर्क है सामान्य जो अब रंगमंच है देश का, और हबीब साहब का जो रंगमंच है, और वो कैसे एक्टर्स को तैयार करते थे, क्योंकि उनकी शैली अपने आप में बहुत विशेष है। लखनऊ में थिएटर करने के बाद मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी हबीब तनवीर साहब के थिएटर ग्रुप में काम करने के लिए। मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि मैं अब तक जो कुछ भी सीख गया है उसका तो बिल्कुल बैठा नहीं है। ऐसा क्या है, मतलब ये पॉइंट पर अगर समझाएंगे तो बहुत से कलाकार जो बन रहे हैं या जो कलाकार बन चुके हैं या जो इस यात्रा में हैं उनको भी समझ में आएगा। देखिए, कला एक ऐसा माध्यम है, मैं ये मानता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा नकलीपना जो है वो काम नहीं आता, और हमने जो लखनऊ के थिएटर में सीखा था, मैं इसको बहुत खुले मन से हमेशा कहता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, कि हमें इतना ज़्यादा फैब्रिकेटेड कर दिया था कि नहीं ऐसे करना है, वैसे ही करना है, यही प्रोसेस होगा। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि उनके जितने एक्टर्स हैं वो सब गांव के रहने वाले हैं, टिपिकल आदिवासी लोग हैं, जो हिंदी बोल भी नहीं पाते, हिंदी समझ भी नहीं पाते, लेकिन वो जब एक्टिंग करते हैं तो क्या कमाल कर देते हैं। तो मुझे समझ में आया कि आपको बिल्कुल पानी की तरह होना ही होगा अगर आपको अच्छा कलाकार बनना है। जैसा रंग मिला, जैसा मिला वैसे ढल गए। इसलिए बात की मेरी, जो फिल्में मैं आप कभी देखेंगे
सीखेंगे या जानेंगे, तो मैं बिल्कुल बहुत सहज रहता हूँ और उससे पहले तक मेरे अंदर कहीं कुछ आप कह सकते हैं एटीट्यूड वाली वाला लगता था कि एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, और एक्टिंग एक ऐसा काम है हर दिन आपके लिए बिल्कुल नया चैलेंज है। मैं अभी भी शूटिंग पे जब जाता हूँ तो जो मेरा पहला दिन होता है मैं ही जानता होता हूँ कि अंदर से मेरी क्या हालत है कैमरे के सामने। मतलब इतना आसान काम भी नहीं। हाँ, आसान नहीं है क्योंकि उसमें कोई पुराना फॉर्मूला काम नहीं आता। हर बार नया चरित्र है, नया माहौल है, नई कहानी है, नई आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आपको हर दिन कुछ नया करना है। तो वो अफ साहब की जो खासियत थी, सबसे कमाल थी, वो डिफरेंट था कि वो सब तोड़ दिया था। उन्होंने कहा नहीं तुम क्या क्या बना, क्या हो, क्या उड़, क्या ये सब हटाओ, साफ साफ करो, बिल्कुल ऐसे रहो। बहुत ज़रूरी बात है, कई बार हम कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है, जो गलत चीज़ें सीखी हुई हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी में सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, नोइंगली अनोइंगली, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जिसके बाद सही चीज़ सीखना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो आप ये प्रैक्टिस आपके जीवन में कहाँ कहाँ अनुभव में आई, किससे आपको याद हो कुछ ऐसे चेंजेस, टर्निंग पॉइंट्स? मैंने ये देखा कि अभी साहब के यहाँ रहते हुए बहुत सारे सीनियर एक्टर्स थे, तो जब मैं किसी प्ले की रिहर्सल शुरू होती तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बैठ गए। कुछ नाम लेना चाहेंगे? उसमें हमारे चैत राम जी थे, एक उनका काका का दूसरे उदय राम जी थे, ये सब बड़े सीनियर लोग थे और बहुत सारे थिएटर शोज में और पूरी दुनिया घूम चुके थे वो, मुझे कैसे अपने आप को। तो मेरी ट्रेनिंग फिर वहां से जब शुरू हुई तो मैंने इतने सारे लोगों के साथ रह के सब हमेशा सहज रहो, और आप जब सहज रहेंगे हमेशा तो खाली रहेंगे, तभी आप अपने अंदर कुछ मौका रहेगा कि आप कटोरा खाली रहेगा तो भरेगा। लेकिन एक मुरटवासी है कि जब इतने सहज होकर मुंबई नगरी में जाते हैं तो ये यहाँ उल्टा करना पड़ता है, फॉर्मूला क्या है इसका? मुझे नुकसान बहुत हुआ क्योंकि थिएटर में रहते हुए तो मैं बहुत सहज हो गया था, अब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने कहा भाई ऐसा ही होगा, लोग स्क्रिप्ट देंगे, मैं पढ़ूंगा कि हाँ ये ऑडिशन ऑडिशन लेने बात कर रहा हूँ, तो वैसा हुआ नहीं। ऑडिशन अच्छा है लेकिन उन्हें लग रहा है कौन है, कहाँ से आ गया है, एटीट्यूड नहीं है। हाँ, एटीट्यूड नहीं है। जैसे अभी पंकज त्रिपाठी ने एक किसी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास किसी ने पूछा कि आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, तो उनका नहीं मेरे पास दो ऑटो हैं और दो स्कूटर हैं लेकिन अभी मैंने महंगी गाड़ी ली है। उसने पूछा क्यों लिए, तो उनका इसलिए कि मैं जब ऐसे ही चला जाता था ना किसी फिल्मी पार्टी में सेट पे तो लोग कहते गरीब एक्टर है क्या, तो वो इमेज बनती है, मतलब वैल्यू वैल्यू उससे बिगड़ती है, तो क्लास मेंटेन करना पड़ेगा, क्लास मेंटेन करना पड़ता। तो इसका नुकसान मुझे मुंबई में बहुत हुआ, बड़े दिनों तक समझ ही नहीं पा रहा कि चक्कर क्या, मैं क्या करूं भाई, डॉक्टर का काम है सर्जरी करना, एक अच्छे कुक का काम है एक अच्छा खाना बनाना, क्या कपड़े पहन के आ रहा है, कैसे अपने प्रेजेंट कर रहा है, ये भी मैटर करेगा। तो ये थोड़े दिनों बाद में समझ में आया, तो मैंने कहा ये भी मैटर करो। दूसरी जो मुंबई में सबसे बड़ी दिक्कत आती है छोटे शहर के लोगों के लिए, उनको जब हम अपने शहर से थिएटर करके जाते हैं ना तो हम बहुत में लगता है मैंने ये महान काम, मैंने वो महान काम, मैंने कुछ कर रखा है, मैं सब कर ही लूँगा। अब वहाँ आपको एकदम नया लड़का मिलेगा, नई लड़की मिलेगी जो कहेगी आपको ये करना है और आप अभी भी सुनने को तैयार हैं, मतलब आपका एक ऑरा बना हुआ है और आपको फिर वो रिजेक्शन एक दो तीन के बाद ना फिर एक इमेज बननी शुरू होती है, आप सुनता है उसको बुलाओ। ये भी मेरे साथ बहुत हुआ है कि लंबे समय तक मुझे काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट नहीं, मैंने मुझे लगता है ये ऐसा ऐसा है, तो किसी ने नहीं सर ऐसा नहीं करना इसकी नहीं करना। अब मैं एकदम सहज होकर जाता हूँ, मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ सर क्या करना है, बड़ा एक दिलचस्प वाक्या मैं लगे हाँ जरूर जरूर जरूर, क्योंकि ये बहुत लोगों के काम आने वाला है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद ये बहुत शोहरत वाला पेशा है जिसमें एक्टर ही सब कुछ है, एकदम भगवान की तरह सब लोग उसको यूं हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी कुछ और होती है और उसके सबक भी बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे दो घटना याद आ रही है, मैं पहली घटना सुनाता हूँ कि मैं एक वेब सीरीज है मेरी आशा जिसमें बॉबी देओल है, उसे प्रकाश झा सर ने डायरेक्ट किया था, तो मेरी कास्टिंग हो गई, मुझे रोल मिल गया, सब चीज़ें फाइनल हो गई और जब स्क्रिप्ट मिली तो मैं अपने होमवर्क में लग गया कि अच्छा ये मैं मुख्यमंत्री के पीए का रोल कर रहा था, तो मैंने कहा अच्छा तमाम सारे मुख्यमंत्री के पीए से मैंने वीडियोज़ देखे, ये देखा और अपनी तैयारी की, ये ऐसा हुआ। तो मैं जब शूटिंग करने के लिए सेट पर पहुँचा तो मैं अपनी तैयारी से गया कि मैं ऐसा रहूँगा, डायरी इधर रखूँगा, पेन यहाँ होगा, बात बात पेन काल के लिखने लगूँगा, अच्छा ऐसा होगा। वहाँ सेट पर पहुँचा, कैमरा में सब लगा हुआ है, तो फिर अच्छा सब बोले हाँ ये रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल में नॉर्मल डायलॉग बोल दिए,
उसके बाद जब उन्होंने एक्शन बोला, अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा क्या कर रहा हूँ, यही लाइन्स है मेरी, बोले नहीं कर क्या रहे हो, एक्टिंग में क्या कर रहे हो, क्या करेगा मुख्यमंत्री का, बोले नहीं ये नहीं करेगा, ये नहीं करना है भाई, कहाँ से आए हो, क्या यार ये क्या कर रहे हो, नहीं नहीं कुछ बात मैं खबर आ गई, 20 की भी तैयारी में कर रहा था 20 दिनों से, जैसे थिएटर में करते हैं, हाँ यहाँ तो मैंने देखा कि आएंगे, अब मेरा एकदम होश खराब, तो मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, बिल्कुल नॉर्मल करो ना, क्यों इतनी एक्टिंग करते हो, मैंने कहा सर मुझे 10 मिनट दिया, फिर मैं वहाँ से हटा बाहर गया, अपने दिमाग को ठंडा किया, पानी पिया, और मैंने कहा ठीक है सर, अब मैं जैसे यूँ था तो वापस आया तो मैं ऐसी मेरी फिल्म है थप्पड़, अनुभव सिन्हा ने जो डायरेक्ट की थी, उसको कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले, उसमें मैं रोल कर रहा था, तो उसमें मेरी तैयारी मैं वैसे गई कि मैं दोनों तरह से होकर गया, मेरी अपनी प्रैक्टिस भी है, मैं डायरेक्टर की बात भी सुनता हूँ। अब सेट पे हमारा एक सीन था जिसमें मैं अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता हूँ, तो कैमरा लगा और बहुत पोर शॉट था, तो मैंने कहा ठीक है थप्पड़ मारने का सीन है, तो अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं यूं मार रहा हूँ, अब कैमरे में दिख रहा है कि थप्पड़ लग नहीं रहा है, तो अनुभव से बोले कि यार बहुत मुश्किल लग रहा है, वो असली मारो थप्पड़ मार रहा है, कैसे करूं भाई, मैं इसको मार रहा हूं, मैं यूं ही तो कर सकता हूं, उसको छू के भी निकल रहा हूं, और आपको जेस्चर भी आ जाए, तो तुरंत इसीलिए एक्टर को ना बहुत ही मतलब एक्टिव, बहुत ही होश में रहकर एक्ट करना, मैं तुरंत डायरेक्टर के पास गया, मैंने कहा सर मैं अभी ना उस लड़की से बात करता हूं, मैं असली के थप्पड़ मारूंगा, आप टेक केयर ना, एक ही बार, हां दोबारा मत मार भाई, अरे क्या बात कर रहे हो, उसको कैसे थप्पड़ मारूंगा, वो ब्राह्मण नहीं, मैंने कहा सर वो मेरा, हां मैं उसके पास गया, मैंने कहा तुम फिल्म में बड़ा रोल कर रहे हो, मेरा तो छोटा सा रोल है, ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारूंगा बाद में, फिर तुम्हें मुझे मारना है, तुम्हें जितना मनो मारो, तो वो कैमरा उन्होंने ऑन किया और मैं पहले से उनको बोल के आ गया था डायरेक्टर सर को मैंने ये करूँगा, और चला एक्शन हुआ और मैंने ताबड़ तोड़े टक टक कर दिया, उसने मुझे मारा, मैं गिरा गिरा टेक हो गया, तो ये अब अगर मैं किसी सेट पैटर्न पे होके तो नहीं होता, नहीं समझ, इसलिए मैं कहता हूँ एक्टर को हमेशा लाइव रहना चाहिए, आप पहुंचो सेट पे देखो क्या माहौल है, कैसे ठीक है लाइन वाइज पता है, अब यहाँ कुछ क्रिएट कर, वो होता है क्रिएट कर। हाँ संदीप भाई आपने कहा एक्टर को तैयार रहना चाहिए, जिंदगी में तैयारी करके स्ट्रगल के लिए लोग जाते हैं मुंबई, कितनी तैयारी करें लोग कोई जब मिलते हैं तो कहते हैं मैं 3 साल से स्ट्रगल चल रहा है, कोई कहता है मेरा 5 ईयर से 5 साल हो गए हैं, कोई 10 साल से भी स्ट्रगल ही कर रहा है, और उसके अंदर टैलेंट भी है, उसने अपने आप को भी तैयार किया मेंटली फिजिकली, क्या है दुनिया ये? मैं देखिए बताऊँ बहुत जरूरी चीज है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं मुंबई जाने के बाद, एक तो मुझे इस स्ट्रगल शब्द से बड़ी नफरत है, कारण कि ये स्ट्रगल शब्द मुंबई वालों के लिए क्यों बना दो, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अरे स्ट्रगल हर कोई कर रहा है, कौन स्ट्रगल नहीं कर रहा है, हम लोग हमारे घर में मेरे मम्मी पापा भी स्ट्रगल करते हैं, सुबह उठते हैं फिर वो तैयार होते हैं नहाते हैं खाना बनाते हैं, ये भी तो स्ट्रगल है, हर आदमी अपने प्रोफेशन में स्ट्रगल कर रहा है, वो जो एक इमेज बना दी कि मुंबई का स्ट्रगल, अच्छा आप स्ट्रगल बहुत सारे लोग मुंबई कहते हैं इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब आप मेरी शक्ल सूरत में कैमरे में दिखाई दे रहा हूँ, मेरी शक्ल सूरत देखने के बाद क्या मुझे करण जौहर जैसे फिल्म मेकर के पास स्ट्रगल करने जाना चाहिए? हाँ लोग तो कहते हैं चॉकलेटी हीरो होना चाहिए, तो उनके पास मैं जाऊँ कहूँगी मुझे रोल दो, मैं क्या वहाँ फिट हूँ, या मैं एकता कपूर के यहाँ जाऊँ कहूँगी मुझे अपने सीरियल में पार्ट हूँ, मैं हूँ मैं नहीं हूँ, तो मुझे पता होगा कि मेरे टाइप की फिल्में कौन कौन बना रहा है, हाँ मेरे टाइप की फिल्में अनुभव सिन्हा बना सकते हैं, प्रकाश झा बना सकते हैं, या और जहाँ मैं फिट हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे किस किस ऑफिस के चक्कर काटने हैं, आपका स्ट्रगल वैसे ही कम हो जाएगा, डिमांड सप्लाई समझनी पड़ेगी, डिमांड सप्लाई डिमांड कहाँ है और देना क्या है, पूरा ही मार्केटिंग का खेल है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि जब आप सेट पे रहे आपको बिहेवियर बड़ा कमाल होना चाहिए, हम कई बार किसी बुरे व्यवहार वाले को नहीं बुलाते हैं भले उसका काम बहुत अच्छा हो, कहते नहीं यार रुकते हैं उसका व्यवहार बड़ा खराब, हर अच्छा है तो कहते हैं ठीक है 19 भी है तो काम चलेगा, ये मुंबई में रह के प्रैक्टिकली मुझे समझ में आया, मैं जब किसी फिल्म में कास्ट होता हूँ जो मुझे कास्ट करता है मैं सोचता हूँ जितने पैसे मुझे दे रहा है ना मैं काम ऐसा करके जाऊंगा उसको लगे यार हमने कम दिए यार उसने काम बड़ा कमा लिया, अब एक्टर ये तो नहीं करेगा कि मुझे पैसे कम मिले तो नहीं इसमें एक्टिंग में थोड़ी 19 कम कर लूंगा, क्योंकि अभी मार्केट के लिए वो बेस है करना मुझे ही, तो उसको लगे कि नहीं यार कमाल सिलेक्शन, और यही मार्केटिंग
का की स्ट्रेटजी हर एक्टर को समझ लेनी पड़ेगी अब, और यहाँ कमी हो रही है, और दूसरी यहाँ कमी हो रही है, दूसरी आपको सहजता बहुत रखनी पड़ेगी। एक 22-24 साल का लड़का डायरेक्टर है, अब मैं जाऊँ डायरेक्ट करने में कौन है बेटा, तुमने भी दुनिया नहीं देखी हो तो मैंने बताओ, मैं तो बताता हूँ, ये तो कहेगा यार मैंने किसको ले, तो मैं अगर ऐसी किसी फिल्म में होता हूँ मैं बोलता हूँ जी बताइए क्या करना है, उसको ये लगे कि मैं जो चाह रहा हूँ ये वो कर रहा है, वो डिलीवर करेगा। सिनेमा डायरेक्टर्स का भी है, वो जो कहेगा मैं वो कर रहा हूँ, मैं अपने दो चार चॉइस देता हूँ, मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है, आपको मैंने चार चीजें दे दी सर जो रखना है रखे, ये सारी चीजें मुझे बहुत सालों के बाद समझ। यहाँ बड़े जरूरी सवाल, आपने कहा हिसाब किताब पैसे, और लोग बहुत सोचते हैं यहाँ बहुत पैसा है, भर भर के पैसे झोली मिलता है, और चूंकि हम लोग लिखते भी हैं खबरों में कि फला एक्टर जो है करोड़ों का है, ये 1.5 करोड़ लेता है, ये 2 करोड़ लेता है, 5 करोड़ लेता है, क्या सारे कलाकारों को इतना पैसा मिलता है? नहीं, सारे कलाकारों को बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन अगर इंडस्ट्री को समझ में आ गया कि नहीं यार ये कमाल है चलेगा, तो अब जो धंधे के साथ जुड़ा हुआ है चलेगा, तो जब से मुझे ये समझ में आया तब से मैं अपने प्राइस कम नहीं करता, मैं रेट अपने कम नहीं करता, मैं उनसे ये कह देता हूँ कि आप जितने पैसे मुझे दे रहे हो आप देखना, आपको बाद में समझ में आएगा कि मैंने काम उससे ज्यादा किया। मैं अभी रिसेंटली मेरा एक सीरियल जो पूरा हुआ उसमें मैं सुबह 7 बजे की शिफ्ट में 7 बजे सेट पे होता था और रात के 9 बजे तक शूटिंग करता था, शूटिंग करने के बाद मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि मैं किसी लायक नहीं बचता, और पूरे दिन मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मेरा पूरा दिन जा रहा है, मैं कुछ और कर नहीं पा रहा हूँ, और लोगों को मालूम है कि यार हम इसका पूरा दिन ही खाए जा रहे हैं, मैं और कोई फिल्म भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मजबूरी मुझे दोगे ही दोगे पैसे, अगर मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ मेरा यही काम है, तो लोग देते हैं। मैंने कई सारी फिल्मों में मतलब जो मांगे वो मिले, उन्हें मालूम था कि ये कर जाएगा। मेरी फिल्म है सत्यम जयते को, उसमें आप एक एक्शन सीक्वेंस है जॉन अब्राहम मुझे मुक्का मारते हैं, अब वो उसमें भी यही चीज़ है कि वो मार रहे थे तो लगा कि मैं नहीं छू रहा, तो मैंने कहा सर थोड़ा मार ही दो ऐसे करके जाए, तो मारा उन्होंने लगा, और उसमें निकली दांत का गिरते गिरते वो इतना रियल लगता है, तो ये एक्टर अपने आप को कुर्बान करता है बकरे की तरह की लो में आ संदीप भाई, बहुत जरूरी सबक आपकी जिंदगी के हैं, ये जो पूरा करियर ग्राफ आपका जा रहा है, आपका ड्रीम क्या है, आप किस तरह के एक्टर वाकई बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो सब तरह के करेक्टर किए हैं आप, लेकिन कुछ खास आपकी प्लानिंग है या फिर खास तैयारी चल रही है? मुझे बहुत मेरा बहुत मन है कि बायोपिक का दौर बड़ा अच्छा चल रहा है इस समय, सिनेमा में वो चीजें इंडियन सिनेमा में आने लगी हैं और इवन सीरीज में भी आ रही है। हाँ। मेरा बड़ा मन है कि बायोपिक्स पे काम हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं बड़ी आपको फील करती हैं, वो कैरेक्टर्स जो इमेजिनरी हैं वो तो ठीक है कर लेते हैं, बहुत सारे लेजेंड्स लोगों पे जो काम होते हैं तो कुछ बायोपिक्स पे काम करने का मेरा बड़ा मन है, और बहुत मेरा मन लिखने का भी है, राइटिंग भी करने का, मैं कुछ अभी लिख भी रहा हूँ किसी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने महसूस किया कि हमारा जो सबसे कमजोर काम है ना फिल्म इंडस्ट्री का, वो कंटेंट है, सेम कंटेंट आपको रिपीट होता मिलेगा हर दूसरी चौथी फिल्म में, हर दूसरी चौथी सीरीज जो चलने लगता है उस तरह का टाइप चीज आने लगती है, उसी की चीजें रिपीट होने लग जाती है, बड़ा मन है कि नया कुछ लिखें, नया कुछ बने। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप जो रंगमंच का संगीत है उसमें आपने जिंदगी से जुड़े हुए किरदारों को बहुत जिया है, और उसमें काफी आपने म्यूजिक का भी बड़ा इस्तेमाल किया है, तो क्या हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो या आपके करेक्टर से आपके लाइफ से जुड़ता हो ऐसा कुछ सुनाएंगे आप? निगाह फाजली साहब का लिखा हुआ कुछ है जो मुझे बड़ा पसंद है, सब कुछ करना ही करना पड़ता है, थोड़ा गुनगुनाते हुए गाते हुए कई सारे, ये आप खुद इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो मुझे कैसे मिलते हैं, मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं अपना टैलेंट डाल देते हैं। चंदा फजली साहब ने कहा था कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो,
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। बहुत खूब, मैं चाहूंगा कि आप एक डिफरेंस जो हमारे तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर एक ही संवाद है और वो थिएटर में उस कैरेक्टर को आप जी रहे हैं मंच पर, और वही अगर स्क्रीन पर है, तो दोनों में वो संवाद की अदायगी में अंतर कैसे आता है? देखिए, थिएटर का माध्यम जो है, थिएटर में एक्टर और दर्शकों के बीच में एक दूरी होती है, तो हमें उस दूरी को फिल करने के लिए लाउड होना पड़ता है, थोड़े से आपको अपने सुर एक्सप्रेशन सारी चीजें लाउड करनी पड़ती है ताकि वो पहुंचे। कैमरे में यूं लगता है कि आप जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बॉक्स है, और थिएटर वालों को यही दिक्कत सबसे ज्यादा आती भी है कि वो थिएटर करके जाते हैं तो एकदम लाउड एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि कैमरा आपके यहाँ चेहरे पे लगा हुआ है। कुछ संवाद के साथ थोड़ा बताने की कोशिश करें ताकि लोगों को जल्दी ये बात पूरी तरह समझ में आ जाए, खास करके उनको जो कलाकार है। जैसे आप बहुत रियल से कोई बातचीत है, हमें आपसे ये करनी है कि अब मैं ये बात अगर थिएटर में कह रहा हूँ, तुम्हें याद है हम लोगों को कहीं घूमने चलना था, भूल गए जी? अरे उस आदमी ने पैसे लिए थे, उससे वसूली करने जाना था। सही कह रहे हो, और मैं इतनी धीरे बोलूंगा कि मुझे ही नहीं सुनाई देगा, लेकिन मेरे जो माइक लगे होंगे सब रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रकाश जी साहब ने कहा कि आप जब मतलब बड़ी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, उन्होंने कहा यार एक्टिंग ऐसी करो जैसे तुम बोल ही नहीं रहे हो, तुम्हें लगे तुम सुना ही नहीं रहे हो, तुम ही हो। हाँ, मैंने इतने सारे माइक भाई सब कुछ हम सब रिकॉर्ड कर लें, करो मत, उनका एक्टिंग करो मत, बस हो जाएगी। अब एक सवाल यहाँ भी आता है कि बहुत से लोग एक्टिंग सीखते हैं और जब ऐसे डायरेक्टर्स कहते हैं तुम करो मत, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है करना, आपने कैसे तय किया? नहीं, ये मैंने वो कहा ना कि वही एकदम पानी की तरह होना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और जब बहुत सारे लोग सीख लेते हैं तो वही वो सीखा हुआ ना फिर ब्रेक नहीं कर पाते, मतलब वो डिलीवरी की बात है ना कि मैं एक एक्टिंग का काम मुझे ऐसा लगता है ना पूरी तरह से ऐसा, जैसे आपने होटल में कोई खाना ऑर्डर किया, अब मैंने भाई थोड़ी मिर्च हल्की रखना, ये हल्की रखना, वो हल्की रखना, ये रखना, और किसी कोई और आया उसने कहा नहीं सेम डिश ऐसे डालना, इसमें नमक छोड़ देना, मिर्च चाहिए, और आपको ये कुकिंग आना चाहिए। तो इसीलिए एक्टर से कहा जाता है कि मतलब एक्टिंग करना और खाना बनाना दोनों काम एक जैसे, तो मैं जान जाता हूँ कि इनको नमक कम चाहिए, इनको मिर्च ज़्यादा चाहिए, इनको ऐसा चाहिए, तो भाई वैसा खाना परोसना। तो दीप भाई, आपने बहुत सारी वेब सीरीज की, वेब सीरीज की जो काम की शैली है वो थोड़ा बहुत फास्ट और अलग है ना, काम चल रहा है उसको, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं और आप कितने इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरह के कंटेंट उस पर परोसे जा रहे हैं उसको लेके अभी एक बड़ी बहस चल रही है, सरकार भी बहुत तरह के रेगुलेशन लगाने की बात कर रही है, आपका अपना अपना व्यक्तिगत एक कैरेक्टर के तौर पर भी और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर क्या है? मैं सेंसरशिप की बात चल रही है उसमें सेंसरशिप को जानी चाहिए, लेकिन आप अगर देखेंगे तो वेब सीरीज ने इंडियन कंटेंट को, इंडियन फिल्म मेकर को बहुत सारी फ्रीडम दी है कि आप अपने तरह से अपनी बात, अपना सिनेमा कह पाए। जैसे ही उसमें सेंसरशिप आई तो मेरे कहने का माध्यम या किसी डायरेक्टर के कहने के माध्यम पर रोक लग जाएगी, अरे हम ये तो दिखा ही नहीं सकते, अरे हम ये तो कह ही नहीं सकते, वो फिर किसी सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपनी बात कहेगा। दुनिया भर के सिनेमा में जैसा सिनेमा बनाना चाहते हैं वैसा बनाते हैं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये तो देखने वाले की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है। लेकिन इस तर्क का जो सबसे बड़ा खामियाजा है, क्योंकि अब ये वेब सीरीज अब नेटफ्लिक्स और तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं उनके जरिए, हॉट स्टार सबके जरिए घर घर और मोबाइल तक पहुंच गया है, तो बच्चों के एक्सेस में है। हाँ। तो वो जो नहीं, जिनको नहीं देखना चाहिए या जिनको नहीं भी देखना है, वो देखने की लत के शिकार हो रहे हैं, और इससे तमाम तरह के क्राइम उपज रहे हैं, और बहुत एक ट्रेंड है, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बता रहा है कि जो सीरीज में आता है उसके बाद उस तरह के क्राइम का ग्राफ बढ़ता है। तो क्या ये वाकई हमारा जो तर्क है वो पूरी तरह वाजिब है? मुझे लगता है कि इसमें कोई और मतलब सेंसरशिप नहीं आनी चाहिए, कुछ और रेगुलेशन आना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट कोई फिल्म मेकर जो बना, जैसे हम आश्रम में बन रही थी, बहुत विरोध हुआ कि आप किसी बाबा के बारे में ऐसे दिखा रहे हैं, अब हम किसी एक बाबा को नहीं दिखा रहे, हमने हमारे धर्म में या हिंदू मान्यताओं में परंपराओं में जो भी जिस तरह के बाबा तीन चार थे और दुनिया को पता था, तो वो तीन चार बाबाओं की कहानी किसी बाबा की नहीं। अब आप एकदम
अंधे हो गए कि नहीं हो गए बाबा के खिलाफ, हम नहीं चलने देंगे, हम नहीं होने देंगे, तो हम गलत थोड़ी दिखा रहे थे, ऐसा हुआ ही था, आपके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। तो अब हाँ उसमें फिर फिल्म मेकर कई बार लिबर्टी भी ले जाते हैं हद से ज्यादा जरूरी, मतलब कहानी के भी आगे मतलब किसी चीज को जबरदस्ती डिफाइन करते हैं, और खास करके सेक्स और वल्गरिटी जो है वो बहुत परोसा जा रहा है। लेकिन बहुत बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स ऐसे भी जिन्होंने किसी भी बात को कहने के लिए इस हद तक नहीं जाते, वो एक सिंबॉलिक में चीजें दिखाते हैं आपको समझ, और सिनेमा का मतलब ही है और आप कन्वे करें। संदीप भाई अभी जो रंगमंच है अभी आपका कम हो गया है फिल्मों वेब सीरीज और सीरियल्स के कारण या बढ़ रहा है? सर मैं समय निकाल निकाल के बीच बीच में रंगमंच जरूर करता हूँ, क्योंकि फिल्मों में काम करने के बाद और वेब सीरीज सीरियल में इन्वॉल्व होने का बड़ी मोनोटोनस सी लाइफ है, वहाँ किसी से दोस्ती नहीं होती, किसी से जान पहचान नहीं किया है, हमने कैमरे के सामने एक्टिंग की, काम खत्म, घर लौट आए, तो लगता है रूटीन टाइप की सारी चीजें चलती हैं, और एक्टर को भी आगे निखरना है, और अब मुझे कुछ नया नहीं मिलता तो मैं छटपटाने लगता हूँ, तो मैं नया करने के लिए कई बार झूला उठाता हूँ, सब्जी लेने चला जाता हूँ, कुछ आगे सब्जियाँ तलाश कर रहा हूँ, मैं कई बार लखनऊ में कुतुब बाजार में घूमता आपको मिल जाऊँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, लेना कुछ नहीं है मुझे, जाके जबरदस्ती की कोई चीज देख रहा हूँ, बहुत से लोगों को ऑब्जर्व करने का मौका भी मिलता है। मेरा मन हमेशा यही होता है कि मेरे अंदर का जो एक छोटा बच्चा है वो अंदर मौजूद रहे, उसको लगे कि मैं बिल्कुल बच्चे की तरह ही सब कहीं घूम सकता हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया। हाँ आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हम देखते हैं बहुत तरह के आप पोस्ट करते रहते हैं, बड़ी चुलबुली पोस्ट होती हैं, छेड़ने वाली, शरारत करने वाली, लोगों को उकसाने वाली, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एकदम से ये आ जाएगा रे भाई तो बड़े हो गए और सीनियर हो गए और वैसे हो गए, नहीं है ना। अमिताभ बच्चन को आप देखिए, उनका सोशल मीडिया देखिए, तमाम तरह की ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं, लोगों को लगे यार ये एक बुजुर्ग साहब ने ऐसी बातें लिख रहा है, लेकिन वो आपको नया रखता है, आपको ताज़ा रखता है। तो आप हमको अपने प्रोफेशन में भी चाहिए कि नयापन, ताज़ापन और एक जो बच्चे की तरह हमारी सुलभता है या चंचलता है वो कैसे मेंटेन है। क्या कर रहे हैं ऐसा थिएटर में आप जो ताज़ा और नया एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? मैं बच्चों के साथ बहुत काम करता हूँ, छोटे बच्चों के साथ थिएटर करता हूँ, जब मौका मिलता है थिएटर वर्कशॉप करता हूँ, बच्चों के व्यूज सुनता हूँ, उनसे तमाम चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए नए आइडियाज। मैंने कोई बात कही किस चीज़ को ऐसे करो, बच्चे कहते नहीं ऐसे क्यों करें, ऐसे कर दें, तो करो वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो बच्चों के साथ रह के कई बार बच्चे हो जाने में बड़ा मजा आता है, तो मैं बच्चों के थिएटर। तो संदीप भाई आप चलते चलते मैं जरूर समझना चाहूंगा थिएटर इन एजुकेशन, क्योंकि आप बच्चों के साथ काम करते हैं, तो थिएटर की व्यक्ति के निर्माण में बड़ी भूमिका है जी जी। तो आपने इसको जिया है, समझा है, जाना है और बहुत से लोगों को समझना जानना है, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को थिएटर जरूर कराइए। थिएटर इसलिए नहीं कराना है कि आप उन्हें एक्टर बनाना चाहते हैं, जो लोग भी लोग थिएटर कर रहे होते हैं, बच्चे थिएटर कर रहे होते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, स्टेज में आते हैं, बात करते हैं, उनका स्टेज फियर दूर होता है, कॉन्फिडेंस आता है 20 लोगों से बात करने का, उनकी एक अपनी भाषा क्रिएट होती है, वो लैंग्वेज सीखते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ती है, उनका एक्सप्रेशन बढ़ता है, वो मूड समझते हैं कि बॉडी लैंग्वेज सही होती है, और वो सारी चीज़ें उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में, प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत काम आती है। और तभी कहा है ना कि शेक्सपियर ने कहा था कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कलाकार हैं, और ओशो ने उसको बहुत अलग तरह से डिफाइन किया, ओशो ने कहा कि एक्टिंग करने के लिए तो दुनिया में हम सब आए हैं, लेकिन हमें जो एक्टिंग करनी है अपनी जिंदगी में वो होश में रह के करनी है, कि हम मुझे मालूम मैं होश में रह के ये काम कर रहा हूँ, बेहोशी में एक्टिंग नहीं कर रहा। तो बच्चा थिएटर के थ्रू जब अपनी लाइफ जान जाता है, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी कमियों को जान जाता है, अपनी स्ट्रेंथ जान जाता है, तो फिर उसको प्रमोट करता है, तो बहुत सारा फायदा होता है। बिल्कुल, और ऐसा फायदा आप सबको भी होगा, आपके बच्चों को भी होगा, और तमाम जो हमारी नई पीढ़ी हमारे देश के निर्माण में, दुनिया में अपनी भूमिका, भागीदारी सुनिश्चित करने जा रही है, उनका भी फायदा होगा, ताकि वो होश में रहकर काम करें, और अगर ऐसा होगा तो शायद बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी चुनौतियाँ जो हमारे वजह से खड़ी होती हैं और हम उसके कारक होते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे, और चलते चलते अगर आप कोई संवाद थिएटर से कोई संवाद आपको कोई आप मुझे लगता है मुझे इस समय कुछ याद नहीं है, चलिए एक गीत से क्लोज करते हैं, कोई गांव से जुड़ा हुआ ऐसा बुनियादी गीत आपको याद आता हो कोई किरदार का जो आपने बहुत दिल से गाया हो? एक गाना हमारी पीटी लाइफ में था, आमिर खान ने उसको यूज कर लिया था उस गीत को, वो गाना हमारे थिएटर का गाना है, पॉपुलर गाना था, उस गाना था एकर का भरोसा चोला माटी के। हाँ अरे वाह, जरूर जरूर, उसकी मुझे शायद एक दो लाइन है, तो मैं बड़ा सुनता हूँ कि कुछ भरोसा नहीं है किस दिन जिंदगी के आखिरी शाम, तो गाना है कि
नेकर का भरोसा चोला माटी के हैरान। एकर का भरोसा चोला माटी के हैरान। एकर का भरोसा चोला माटी के हैरान। कोनो रहिस ना कोनो रही भैया ये सबके बारे सुनिया ये सबके बारे। काल के माया छोड़े ना ही राजा रंक भिखारी चोला माटी के हैरान। अब इस गाने से जुड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूँ हर किसी से। मैं अभी कुछ दिनों पहले इस पर एक लंबी चर्चा भी की थी कि हम सबको जो भी आप लोग देख रहे होंगे आपसे भी ये सवाल है कि ये हमको तय करना है कि हम जिंदगी के कितने साल जी चुके हैं और एवरेज हमारी लाइफ क्या होगी। क्या हम 70 साल जियेंगे, हम 80 साल जियेंगे, जितनी लाइफ जी चुके हैं बाकी की जो बची हुई जिंदगी है उसको हमें कैसे जीना है। उसको दुख में जीना है, रोते रोते जीना है, संघर्ष करते करते जीना है, सब कुछ लुटा के जीना है, या बची जिंदगी को एंजॉय करना है और हमारे जाने के बाद हमें लोग अच्छे कामों के लिए याद करें, ऐसे जीना है। ये गाना पूरी इसी फिलॉसफी पे है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी फिलॉसफी है। और अक्सर हम स्मशान पे जाते हैं तो ऐसे जो भावनाएं हैं वो मन में उमड़ती घुमड़ती हैं। हम भी कुछ फैसले करते हैं लेकिन अमल कम कर पाते हैं। तो आप सब के लिए नए साल में दुआ कि आप उस पर अमल करें और आप भी अपनी डायरी में पेन डाउन करें ताकि जो फैसले हैं उन पर बेहतर अमल, बेहतर परिणाम और बेहतर सबक दूसरों के काम आता रहे और एक बेहतर दुनिया बनाने में हम बेहतर भूमिका निभा सकें। तो आज की आपकी मुलाकात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी इस बातचीत से आप सबका जितना भी फ़ायदा हो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आप इस पूरे सत्र के साथ जुड़े हैं। द पेन डाउन पर और भी मेहमान आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, दिल की बात भी होगी। और अगर आप किसी खास मेहमान से मिलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम डालिए। और साथ में अगर आपने कुछ सीखा है, आपके ये वीडियो, ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार, ये संवाद काम आया है तो उसकी सूचना देंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी साझा करते रहें। नमस्कार।